तो स्नो किंगडम के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हे नमस्ते पीपल, आज हम आ चुके हैं मुंबई की सबसे ठंडे जगह पे। ठंडे से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई ठंडा एसी चला दिया हो, ठंडे से मेरा मतलब है एक्चुअल बर्फ। और मुंबई में बर्फ शायद आज तक पड़ा नहीं है, बट हम लोग आपको दिखाएंगे कि मुंबई में बर्फ कहाँ पड़ता है। तो ले चलते हैं आपको पूरे वीडियो में आर मॉल में, जो कि घाटकोपर मुंबई में। तो चलते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये आर सिटी मॉल पहुँचना कैसे। तो थाने से हम लोग ट्रेन पकड़ के पहुंच जाते हैं घाटकोपर स्टेशन। घाटकोपर स्टेशन पहुंचने के तुरंत बाद हम लोग लेते हैं ऑटो, जो कि मीटर से लगभग 30 रुपये लगता है। और इतनी कड़कती गर्मी में बर्फ देखने का एक्साइटमेंट अलग लेवल पे था। एहे, रहा नहीं जाता। फाइनली अपनी मंजिल आ जाती है, जो कि है आर सिटी मॉल। तो ये रहा पूरा आर सिटी मॉल, और ये रहा उसका एंट्री, जहाँ आप घुसते ही आपके साथ सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, कहीं आप कुछ हथियार तो अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं। तो अंदर से आर सिटी मॉल कुछ इस तरह दिखता है। सिक्योरिटी वाले भैया बता रहे थे कि ये जो स्नो किंगडम है वो आर सिटी मॉल के सेकंड फ्लोर पे है। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। तो आप जैसे ही यहाँ से एंट्री करोगे, वैसे ही आपको यहाँ से फिर लिफ्ट से आना पड़ेगा सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर से फिर आपको यहाँ होके एंड पे जाना है, क्योंकि ये जो स्नो किंगडम है वो है साउथ के साइड। और रास्ते में आपको दिख जाएगा वीआर प्लेइंग जोन, जहाँ पे कुछ लोग अपना टैलेंट दिखा रहे थे। और जिस जगह है उसका प्रमोशन ना हो तो ये तो ख़राब बात है ना। तो ये रहा आर सी टी मॉल। जब तक हम लोग पहुँच नहीं जाते स्नो किंगडम, तब तक आप लोग ना आर सी टी मॉल का मज़ा लो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही बर्फ़ को बर्फ़ काटेगा। इसलिए स्नो किंगडम में जाने से पहले हम लोग ले लेते हैं आइस कोला। तो स्नो किंगडम में जाने से पहले खुद को तैयार करना जरूरी है, तो उसके लिए ये जरूरी है। चलते हैं आगे। वैसे एक बात तो है, अगर आपको स्नो किंगडम आना है तो आरसीटी मॉल का पूरा परिक्रमा करना होगा, और हम लोग वहाँ से आए हुए थे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्नो किंगडम में। आइए मुंबई में शिमला का मज़ा लेते हैं। और ये है एंट्री, और यहाँ पे आप टिकट का प्राइस पॉज करके देख सकते हैं। जैसे ही आप स्नो किंगडम एंट्री करते हो, उसके तुरंत लेफ्ट साइड में आपको दिखता है टिकट काउंटर, जहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हो। उसके तुरंत बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ऐसी जगह जहाँ से हम लोग को सारे कपड़े मिल रहे थे। मगर आप ये मत सोचना कि ये कपड़े कोई जस्ट उतार के आपको पहनाएगा, ये सारे कपड़े धुले हुए रहते हैं और फिर आप पहनते हो इसे। तो अपना एक्साइटमेंट को ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम लोग फटाफट रेडी हो जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और हम लोग घुस जाते हैं स्नो किंगडम के अंदर। गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं मुंबई की सबसे ठंडे एरिया में, और दिखाते हैं आपको यहाँ का सारा नज़ारा। यहाँ पर डोनाल्ड डक से लेके पोलर बेयर, पेंगुइन, सारे कुछ देखने मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काटेंगे भी नहीं, तो जितना मर्जी आप इसे परेशान कर ले, ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। आइए आपको ले चलते हैं स्नो किंगडम के परिवार से मिलाने। ये है स्नोमैन, एक किस तो बनता है भाई। अब आगे हम लोग ले चलते हैं आपको पोलर बेयर की तरफ।
पर ये लोग बहुत दिन से नहाए नहीं है, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि इनको थोड़ा सा बर्फ़ से नहाने का। नहा लो भाई नहा लो। अब पेंगुइन की बारी। अब पोलर बेयर के बेटे की बारी और ये वॉलरस की बारी। थोड़ा सा कस के नहा देते हैं, गोरा हो जाएगा। और अब ये दोनों भाई से मिलने की बारी जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और यहाँ स्नो किंगडम में आके मिले हैं। और ये आगे जो आप देख रहे हैं लोगों को ऊपर ट्यूब ले जाते हुए, तो उससे कुछ ऐसा होता है। और अगर आपको अब तक लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे पाउडर दिए जाते हैं और यहाँ पे रियल बर्फ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बड़े बड़े आइस क्यूब को ये ग्राइंडर में मिक्स करके इसका पाउडर बना रहे थे, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर -8 डिग्री तक हो गया था। इस एरिया को यहाँ के लोग डांसिंग एरिया कहते हैं, पर मुझे पता नहीं कि -8 डिग्री पे कौन ही डांस करेगा। तो मौका है दस्तूर को देख के हम लोग अपना स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उफ, एस्थेटिक। अब बारी है इग्लू की, तो देखते हैं कि इग्लू के अंदर होता क्या है। तो ये जो इग्लू आप देख रहे हैं वो असली बर्फ से बना गया है। यहाँ का तापमान कुछ ज्यादा ही ठंडा है। चलिए चलते हैं बाहर। ये स्नो किंगडम की बस एक ही खराब बात है कि आपको 750 रुपये में सिर्फ 1 घंटे को एंजॉय करने मिलता है, और हमारा टाइम यहीं पे ख़त्म हो चुका था। आई होप आपको पूरा स्नो किंगडम का पूरा सफर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।